मंत्रिमंडल की बैठक माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्य रूप से 26 फरवरी से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के बजट सेशन के अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा जो अभिभाषण दिया जाना है उसे मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। क्योंकि हर बजट सेशन का प्रारंभ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से होता है, सरकार ने आज तक क्या किया है, क्या प्राथमिकताएं रही हैं, उन पर जो है वो सरकार का पूरा रिपोर्ट कार्ड राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण के साथ जो है प्रस्तुत करते हैं, उस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के बाद जो है उसे स्वीकार किया गया। आज हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट और हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन रूल्स दोनों के कुछ प्रावधानों का संशोधन करने हेतु माननीय मंत्रिमंडल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। इसके अंतर्गत मंत्रिमंडल ने जो 2016 से पूर्व की स्थिति थी कानून में कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में राजनीतिक दल अपने सिंबल के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, अपने कैंडिडेट तय कर सकते हैं, उसको स्वीकृति प्रदान की है रूल्स को। मंत्रिमंडल ने 5 कॉरपोरेशन जो बन गई हैं हिमाचल प्रदेश में, अभी तक उनके जो मेयर थे उनके लिए अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी उनके लिए रिजर्वेशन नहीं था। मंत्रिमंडल ने वो भी संशोधन जो है करने को स्वीकृति प्रदान की है कि अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, इनके साथ साथ अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी रोस्टर में जो है वो रिजर्वेशन रहेगा। वार्डों में रिजर्वेशन का पहले से प्रावधान है लेकिन मेयर के चुनाव के लिए नहीं था, जिसे आज मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त जो आयुक्त नियुक्त होते हैं मंत्रिमंडल में द्वारा, उनके भी समय सीमा, उनकी जो है कितनी लेंथ ऑफ सर्विस होनी चाहिए अपॉइंटमेंट के लिए, पहले उसका प्रावधान था 10 साल का जो है वो उनको अनुभव होना चाहिए था, जो 10 साल से आईएएस एचएएस या अन्य सर्विसेज में है वो लग सकते, लेकिन क्योंकि कॉरपोरेशन बनी हैं और कॉरपोरेशंस बहुत बड़ी भी नहीं है और ऑफिसर्स की भी कमी रहती है, इसलिए उसमें संशोधन करने के स्वीकृति प्रदान की है। अब जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से संबंधित लोग जो हैं वो होंगे, उन वो 7 साल की जो है उनकी जो लेंथ ऑफ सर्विस होगी उस पर, और एचएएस की जो है वो उनकी 9 साल की समय सीमा के ऊपर जो है वो आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं। इसमें भी जो है वो संशोधन जो है वो स्वीकार किया गया है, जो विधानसभा में रूप में जो है वो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी एक प्रावधान था,
कि मोशन तो मूव कर सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, लेकिन जब मोशन मूव होगा हाउस में तो उसमें मेजॉरिटी हाजिर हो और उसका जो है वो 50% जो है वो 2/3 हाजिर हो और उसका 50% जो है वो कैरी हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि वो हाउस की 50% से भी कम समय संख्या होगी। इसलिए जो है वो प्रावधान उसको जो है रैशनलाइज किया गया है कि कोरम जो है वो 3/4 होना चाहिए और उसमें उस कोरम में से 2/3 जो है वो उनके वोट के साथ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होगा। इसी तरह से जो है वो एक्ट में एक और प्रोविजन जो है किया गया है एंटी डिफेक्शन का भी, गया है क्योंकि राजनीतिक दल जो है वो अपने सिंबल पर चुनाव जब लड़ेंगे तो उनकी गरिमा बनाए रखने के लिए जो एंटी डिफेक्शन के नियम हैं उनका भी संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। कोई बिना वैसे जो है दूसरे जाता है तो उसकी सीट नहीं रहेगी। इसी प्रकार मर्जर का है, जैसा प्रावधान जो है ये दूसरे इलेक्शंस में है उसी प्रकार के प्रावधान एंटी डिफेक्शन की जो है वो यहां पर भी जो है वो प्रपोज किए जा रहे हैं। और इन सब संशोधनों से संबंधित जो है वो बाकी जो प्रोविजंस हैं कहीं डेफिनेशन इत्यादि की वो भी प्रपोज जो है उसमें किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो है वो पौंटा साहिब में धौला कुआं में, धौला कुआं जो तहसील पौंटा साहिब में है, 122.08 बीघा जो जमीन है वो डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री नौनी को जो है वो 99 ईयर्स की लीज पर जो है वो स्वीकृत की गई है, जो वहां पर अपना रीजनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च और ट्रेनिंग का जो है स्टेशन वहां पर एस्टेब्लिश करेंगे। सुंदरनगर में जो एक बहुत ही सेंट्रल प्लेस है हिमाचल का भी और जो टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो वहां पर रेस्ट हाउस है जो बना है उसमें अकोमोडेशन कम है, उसके एक्सपेंशन जो है वो की जाएगी 3,90,00,000 की लागत से जो है वो उसको जो है वो एडिशनल अकोमोडेशन को स्वीकार किया गया है उसमें। इसी प्रकार से जो है वो NHAI के बहुत सारे स्थानों पर जो है वो लैंड एक्विजिशन करनी होती है, उसके लिए जो हमारा ऑलरेडी यूनिट जो है नालागढ़ में काम करता है उसको 1 साल की और एक्सटेंशन दी गई है, जिसमें आउटसोर्स आधार पर जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज होते हैं जनरली रेवेन्यू